माइसेल रिंकेश कुमार गुप्ता, आज हम जो हरियाणा में कास्ट का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि दी 100 रूट ऑफ दी नंबर 10 की पावर 10। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक नंबर गिवन है 10 की पावर 10, इसकी 1/100 रूट को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, 10 की पावर 10 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं अपन 1/10 स्क्वायर। तो बेस इक्वल है तो पावर को कैंसिल करोगे तो देखो 10 की पावर 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2, तो इसको कैंसिल करने पे आ गया 10 की पावर 10 की पावर 8। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 42। अपन को क्या करना है, 2 की पावर 2009 - 2 की पावर 2007 / 2 की पावर 2006 - 2 की पावर 2000, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या करोगे, इसके न्यूमेरेटर में आप क्या कॉमन लोगे, 2 की पावर 2007। तो इसको कॉमन लोगे तो देखो क्या आ गया ब्रैकेट में, 2 की पावर 2 - 1 अपॉन, डिनोमीटर में क्या कॉमन आ सकता है, 2 की पावर 2006। तो अगेन ब्रैकेट में आ गया 1 - 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2007 है, 2 की पावर 6, उसमें इस पावर को कैंसिल करोगे तो ये न्यूमेटर में आ गया 2, और ब्रैकेट में देखो 2 की पावर 2 = 4 - 1 = 3 एंड 1 - 4 = -3। तो 3 से -3 को कैंसिल करोगे तो ये आ गया -1, तो फाइनली आंसर आ गया -2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट 43 क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी सच दैट द नंबर 4, 5, 6, P8 इज डिविजिबल बाय 9। आपको क्या करना है, पी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए दिस नंबर 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, कि जो डिजिट्स हैं इनका सम भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो देखो इन डिजिट का सम क्या होगा, 4, 5, 9, 9, 6, 15 और 8, 23। तो 23 + P, तो इसको डिवाइड करने के लिए P की मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, 4, क्योंकि P अगर मिनिमम सॉरी P को 2 लोगे तो 25, और 25 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते अपन, और P को 3 लोगे तो ये आएगा 26। सिमिलरली P को जब 4 लोगे तो आ गया 27, और 27 को अपन 9 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो P की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 44 में क्या करना है अपन को, दी रिमाइंडर वैन x की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 1। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप x की पावर 100 को x स्क्वायर - 1 से क्या करते हो, डिवाइड करोगे, तो ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो बेटा सिंपल सी बात ये कि अपन इसको नॉर्मल डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो उसको किससे करना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे आपने डिवाइड किया है उसको पहले आप क्या करो, 0 के इक्वल। तो इससे आगे x² = 1 देन x = +-1। तो देखो जब आप एक्स को 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 100 = 1 एंड -1 लोगे तो भी क्या आएगा, 1। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 45 में देखो क्या बोल रहा है कि इफ x - 1, x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल x^4 + P - 3 × x³ - 3P - 5 × x²+2P - 9 × x + 6। इसका मीनिंग क्या है कि x - 1, x + 1 और x - 2 क्या है, इस पॉलीनोमियल के फैक्टर हैं, तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर किसी पॉलीनोमियल का फैक्टर है तो इसका मीनिंग है कि जब आप जिस पार्ट को उस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मतलब x - 1 से डिवाइड करो या x + 1 से करो या x + x - 2 से, तो ऑल थ्री केसेज में रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। तो x - 1 को 0 करो तो x क्या आ गया, 1। तो जब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने पे वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए, 0 के इक्विवेलेंट। तो देखो x को 1 लेने पे क्या आएगा, 1 + P - 3 - 3P + 5 + 2P - 9 + 6 = 0। देखो
पी एंड माइनस थ्री पी माइनस टू पी से प्लस टू पी कैंसिल, सिमिलरली 6, 5, 11 और 1 is 12 और माइनस थ्री माइनस नाइन इज 12, तो ये आ गया 0. इसका मीनिंग क्या है कि जब आपने इसको x माइनस वन से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो ये बात सही है, बट इससे अपन को p की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाए अपन. तो अब क्या करोगे आप, अगेन x प्लस वन को 0 करो आप. तो x प्लस वन को 0 करोगे तो इससे x आ गया माइनस वन. तो अगेन x को माइनस वन पुट करो तो देखो क्या आएगा, माइनस वन की पावर 4 is 1, माइनस वन का क्यूब इज माइनस, तो ये आ गया बेटा माइनस पी प्लस थ्री. सिमिलरली माइनस वन का स्क्वायर इज वन, तो अगेन माइनस थ्री पी प्लस फाइव. उसके बाद इसमें वन लोगे तो ये आ गया माइनस टू पी माइनस नाइन, तो ये प्लस नाइन और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. तो देखो माइनस थ्री पी माइनस टू पी एंड माइनस पी इज माइनस सिक्स पी, प्लस थ्री एंड वन इज फोर, फाइव नाइन, नाइन और नाइन 18 और सिक्स 24 इक्वल टू जीरो. तो उसको सोल्व करने से क्या आ गया, पी इक्वल टू 4. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 46. दी वैल्यू ऑफ के फोर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 1 हैज नो सॉल्यूशन. तो उसका मीनिंग क्या है कि टू लाइंस गिवन है, तीज है नो सॉल्यूशन. तो उसमें क्या करना है कि इन दोनों का अगर स्लोप इक्वल हुआ और C1 C2 दोनों क्या हुए अनइक्वल, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी. तो उस केस में नो सॉल्यूशन. तो क्या लिखना है, K1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 5/1. तो इससे आ गया K इक्वल टू 6. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन. हाँ देखो नेक्स्ट 47 क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको टू इक्वेशंस गिवन है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 7xy और नेक्स्ट गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 18xy. तो उनको सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो देखो कैसे ट्राई करोगे, सबसे पहले क्या करो आप, xy से इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, तो आ गया 4 अपॉन y माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इसको xy से डिवाइड करो तो आ गया 3 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2. तो अपन को इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है. तो देखो क्या करो, पहले अपन इन दोनों इक्वेशनों से क्या करते हैं, x का एलिमिनेशन. तो इधर क्या रहा है 3, इधर क्या है 2, तो इसको तो मल्टीप्लाई करो आप 2 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से. तो देखो क्या आ गया, 8 अपॉन y 9 अपॉन y दिस इज 17 अपॉन y और नेक्स्ट इज माइनस 6 अपॉन x और प्लस 6 अपॉन x. तो इनको ऐड करने पे क्या होगा, कैंसिल आउट. तो इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 18 इज 54. तो फाइनली आ गया 64. तो कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स. तो y इक्वल टू आ गया 1/4. अब y की वैल्यू को किसी में भी पुट करो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू. बट अपने ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y क्या मैंने 1/4, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन 48 में क्या गिवन है कि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक के रूट गिवन है अल्फा एंड बीटा. तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा. तो देखो उसको क्या करना है, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. तो इससे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ गया 12 और अल्फा बीटा आ गया 32. तो उसको पुट कर दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस अल्फा बीटा 32 तो 64 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 12. तो फाइनली क्या आ गया, देखो 4 में से 4 करोगे तो 0, ये 8 अपॉन 12. तो इसको अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से. तो 4 से करोगे तो 20 अपॉन 3. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन. देखो क्वेश्चन नंबर 49 को कैसे करना है, आपको इसमें एक इक्वेशन गिवन है रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 10/3. तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको पहले क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या आ गए, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल टू 10/3.
तो इसमें अपन को x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 10, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल टू 10 अपॉन 3, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इससे आ गया एक्स वाई इक्वल टू 9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। देखो क्वेश्चन 50 में क्या गिवन है, इसमें एपी की थ्री टर्म्स गिवन है, 3, 4 + p, 6 - p, तो आपको पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो थ्री नंबर्स अगर एपी में गिवन हो तो एपी की कंडीशन क्या होगी, सेकेंड का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 4 + p = 3 + 6 - p, देन 8 + 2p = 3 + 6 - p, देन ये आ गया 3p = 1, देन p = 1/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। हाँ देखो क्वेश्चन 51 में क्या बोला गया है, इफ़ दी सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय SN = एक एपी की फर्स्ट एन टर्म का समेशन गिवन है SN = n(5n-3), तो आपको इसकी pth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो pth टर्म का मीनिंग लिख सकते हैं लेट a + p - 1 × d। तो देखो क्या करोगे, एपी की एन टर्म के समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 (n-1)d = n(5n-3), इसमें n से n कैंसिल कर सकते हैं और इसमें से आप 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 कैंसिल, तो आ गया a + n-1/2 × d = 5n-3। अब आपको दिस एक्सप्रेशन को a + p - 1 × d में कन्वर्ट करना है, जिससे आपको दिस पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो देखो क्या करो, इसको किसके इक्वल कर सकते हैं अपन, p - 1 के इक्वल, क्योंकि अगर ये वैल्यू p - 1 की इक्वल होगी तो उससे अपन को tp की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो क्या करना है, n - 1/2 = p - 1, तो इससे आपको पी की एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यों, क्योंकि n की कैसी वैल्यू पुट करो जिसको पुट करने पे दिस पार्ट क्या आना चाहिए, p - 1, तो इससे आ गया n - 1 = 2p - 2, देन n = 2p - 1। इसका मीनिंग क्या है कि जब n को आप क्या लोगे 2p - 1, तो दिस पार्ट क्या बन जाएगा, p - 1, तो n को 2p - 1 इसमें आप पुट करोगे तो ये आ गया a प्लस, इधर n को लिखोगे 2p - 1, तो 2p - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया p - 1 d = सिमिलरली n की वैल्यू को 2p - 1 इधर पुट करो आप, तो ये आ गया 5 times of, तो फाइनली आ गया 5 × 2 (10p - 8), तो इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आ गया ब्रैकेट में 2 × 5p - 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 में गिवन है अपन को sin²x + sin x = 1, और अपन को cos⁴x + cos²x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, सबसे पहले क्या करो, sin²x को राइट में शिफ्ट करो आप, दिस पार्ट क्या आ गया sin x = 1 - sin²x, तो 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं cos²x, तो sin² आ गया cos²x। अब क्या करो, cos²x की वैल्यू पुट करो आप इसमें sin x, तो दिस पार्ट इज sin² और दिस इज sin x, और sin²x + sin x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखो 53 क्वेश्चन में क्या करना है, इफ थीटा एन एक्यूट एंगल सच दैट 10²θ = 8/7, तो देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1 sin θ × 1 - sin θ / 1 cos θ × 1 - cos θ। देखो कैसे करना है, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो a + b × a - b, तो क्या आ गया 1 - sin²θ, और अपन आ गया 1 माइनस, तो 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं cos²θ / तो दिस इज cot²θ, 10²θ / 8/7, देन cot²θ = 7/8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट।
हाँ देखो 54 क्वेश्चन में क्या करना है, द मीन ऑफ द नंबर्स a1 कोमा a2 कोमा a3 इज 21। मीन का मीनिंग a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन 3 मैंने आपको 21 तो इससे आ गया 63। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है तीज मीडियन इज 18, मीडियन का मीनिंग मिड टर्म, तो a2 गिवन है 18। उसके बाद a3 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a1 और नेक्स्ट कंडीशन इज a3 इक्वल टू a1 प्लस 30। तो देखो a2 को 18 पुट करोगे तो इससे आ गया a1 प्लस a3 इक्वल टू 63 में से 80 माइनस 45। और आपको a3 फाइंड आउट करना है तो इससे a1 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, a3 माइनस 13 प्लस a3 इक्वल टू 45, देन a3 एंड a3 2a3 इक्वल टू 13 को उधर शिफ्ट करो तो प्लस में हो गए, तो 45 और 13 इज 85, तो a3 आ गया 29। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। हाँ देखो क्वेश्चन 55 में क्या बोला गया है, ए व्हील मेक्स 100 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। क्या मीनिंग है कि एक व्हील है वो टोटल 88 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टोटल रिवॉल्यूशन गिवन है आपको 1000, तो आपको व्हील का डायमीटर का मीनिंग रेडियस का डबल फाइंड आउट करना है। तो देखो जब कोई व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसकी टोटल डिस्टेंस इज 2πr और लेट वो टोटल एन रिवॉल्यूशन करता है तो 2πr इंटू एन इज इक्वलेंट टू 88 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करो 88 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2π की वैल्यू यूज करोगे आप 22/7। ये क्वेश्चन में गिवन है अपन को r इंटू टोटल रिवॉल्यूशन गिवन है 1000 इक्वल टू 88 इंटू 1000। तो देखो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 22 से 24 को तो 4 आ गए तो इससे आ गया 2r इक्वल टू 28। तो टोटल जो डायमीटर है वो कितना हो गया 28 मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। हाँ 56 में क्या बोला गया है, दी वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज ट्वाइस दी अदर एंड दी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 10 दी एरिया ऑफ दी ट्राइंगल इज। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, सॉरी वन साइड x है तो रिमेनिंग इज 2x और इसका हाइपोटेनियस गिवन है आपको 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 100, देन 5x स्क्वायर इक्वल टू 100, देन x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 20। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं अपन, डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज x और हाइट इज 2x, देन x इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, देन इज x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू यूज कर सकते हैं अपन 20। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया क्या आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ। हाँ देखो 57 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, देन इट सर्कमफ्रेंस इज रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस में परसेंटेज गिवन है डी आर अपॉन आर इक्वल टू 40%, तो आपको सर्कमफ्रेंस में परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि सर्कमफ्रेंस किस रेट से या कितनी रिड्यूस हुई है। तो जो को सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो जो सर्कमफ्रेंस है वो रेडियस के क्या है प्रोपोर्शनल, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितनी आप रेडियस को कम करोगे या ज़्यादा करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी सर्कमफ्रेंस ही उतनी कम या ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो सर्किल की रेडियस को 40% रिड्यूस किया गया है, तो सिमिलरली जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो भी क्या होगा 40% से रिड्यूस होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 58, ए कोन ए हेमीस्फीयर एंड ए सिलेंडर हैव इक्वल बेसेज एंड इक्वल हाइट्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो कैसे करना है, कोन हेमीस्फीयर और सिलेंडर इनका जो बेस है वो क्या होगा एक सर्किल होगा, ये कोन का बेस है तो बेस का मीनिंग ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या लेट आर और हाइट इज
सिमिलरली जो हेमीस्फेयर है उसका बेस भी एक सर्किल है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका बेस भी सेम है, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। और नेक्स्ट इज जो सिलेंडर है उसका बेस भी सेम है, तो सिलेंडर का बेस भी क्या है, एक सर्कल, तो उसकी रेडियस भी क्या है, और इन तीनों की हाइट इक्वल है, तो इसकी हाइट एच है तो इसकी हाइट भी एच होगी, और जो हेमीस्फीयर उसकी हाइट क्या होगी, एच। तो व्हाट हेमीस्फीयर के केस में जो हाइट है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, रेडियस के इक्विवेलेंट। तो अब इनका देखो वॉल्यूम क्या होगा, उनका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कोमा, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखोगे बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब कोमा, सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच और आर सब कुछ इक्वल है, तो आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो गया इसमें ये सब कुछ, और पाई से पाई कैंसिल, तो आ गया 1/3 ratio 2/3 ratio 1। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ratio 2 ratio 3। तो सिलेंडर सॉरी कोन, हेमीस्फीयर और सिलेंडर के जो वॉल्यूम्स हैं उनका रेशो क्या आ गया, 1 ratio 2 ratio 3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, दी डायगोनल ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज √300 cm, देन फाइंड दी सरफेस एरिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक क्यूबॉइड गिवन है अपन को, लेट ये क्यूबॉइड है, एक रफली डायग्राम है, तो क्यूब लेट क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स, और हाइट विड्थ सब कुछ क्या है, एक्स। तो पहले क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, ये एक्स है, डायगोनल का मीनिंग है जैसे लेट ये ओ ए बी सी और ये पी, इस वर्टेक्स की जो अपोजिट फेस है उसके बीच की, तो आपको ओ पी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ पी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ओ को आप बी से ज्वाइन करोगे, अपोजिट डायगोनल का मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ ओ पी, ये एक्स है, ये एक्स और ये एंगल कितना है 90, तो ये क्या आ गया √2x, और ये लेंथ एक्स है, तो देखो ये भी क्या है परपेंडिकुलर, तो ओ पी की लेंथ क्या होगी, 2x² + x² = 3x² का अंडर रूट, तो देन इज √3x। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट की बने, 300 के रूट, तो √3 से √3 कैंसिल करोगे तो इससे x क्या आ गया 10। तो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी लेंथ क्या गिवन है अपन को 10। तो फाइंड दी सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल कितनी सरफेसेज होती है, 6 faces, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 of x² x = 10, तो देन दिस इज 600 cm². तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। देखो क्वेश्चन 60 में क्या बोला गया है, कि द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स a cos θ + b sin θ, 0 and 0, a sin θ - b cos θ इज। आपको टू पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट इज a cos θ + b sin θ, 0, और सेकंड पॉइंट इज 0, a sin θ - b cos θ। तो टू पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ x1 - x2, तो दिस पार्ट माइनस 0 का स्क्वायर इज a cos θ + b sin θ² + 0 - a sin θ - b cos θ² होल स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ऑफ a cos²θ a sin²θ, दिस इज a² प्लस b sin²θ + b cos²θ इज b² एंड दिस इज 2ab sin θ cos θ, और दिस इज -2ab sin θ cos θ, ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट, तो इन टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √a² + b² तो इसका करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में देखो क्या बोला गया है, फाइंड दी रेशो इन विच दी पॉइंट्स 2, y डिवाइड दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स -4, 3 and 6, 3। टू पॉइंट गिवन है आपको, -4, 3 and 6, 3। तो ये बताना है कि ये 2, y पॉइंट है, इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। तो आप लेट करो कि लेट दिस इज लैम्डा रेशो 1, तो आपको लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसमें आपसे y भी पूछा गया है। तो देखो
इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा, 6 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2, एंड नेक्स्ट इज 3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू वाई। इसमें 3 कॉमन लोगे तो लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1, तो वाई तो क्या आ गया इससे डायरेक्ट 3, और इसमें देखो उसको सोल्व कर दो आप, तो 6 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, इसको उधर शिफ्ट कर दो, दिस इज 4 लैम्डा इक्वल टू 6, तो इससे लैम्डा आ गया 3y2, तो उससे रेशो आ गया 3:2 और y क्या है 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 इज, टू वर्टेक्स इज ऑफ ए ट्राइंगल आर -1.4 एंड 5.2 एंड इट्स मीडियंस इंटरसेक्ट एट दी पॉइंट 0, -3, देन इट्स थर्ड वर्टेक्स। तो देखो कैसे ट्राई करना है इसको, सिंपल क्वेश्चन है, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी, इसके टू वर्टेक्स इज गिवन है आपको -1.4 एंड 5.2, और बी और सी का जो मीडियन है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये किस पॉइंट पे कट करते हैं, 0, -3 पे। तो आपको वर्टेक्स ए फाइंड आउट करना है, तो ये हम जानते हैं कि जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किसको डिनोट करता है, सेंट्रोइड को। तो देखो इनका सेंट्रोइड क्या होगा, लेट इज दिस इज α, β, तो अपन लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस x1 + x2 + x3 / 3 इज 0, तो देन α -1 + 5/3 इक्वल टू 0, तो इससे आ गया α -4, और नेक्स्ट इज β + 4 + 2/3 इक्वल टू, ये क्या -3, तो 3 को उधर शिफ्ट करो तो आ गया β + 6 इक्वल टू -9, देन β = -15, तो इससे α -4 β - 15, मतलब जो वर्टेक्स ए है वो क्या होगा, -4, -15, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 63 में क्या करना है, इन दी डायग्राम एंगल बी सी पी डैश, ये एंगल, चलो इस डायग्राम को अपन सेपरेट बनाते हैं, सी पी डैश दिस इज पी और नेक्स्ट दिस इज बी बी ए, और इस पॉइंट पे टेंजेंट गिवन है आपको क्यू क्यू डैश, तो इसमें एक एंगल गिवन है आपको बी सी पी डैश, तो दिस एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, और सिमिलरली एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू ये भी कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है, देन दी ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी ट्राइंगल की टाइप का, मतलब ये ट्राइंगल स्केलन होगा, इक्विलेटर हो सकता है, राइट एंगल या एक्यूट एंगल, तो देखो आपको इन एंगल्स को फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे ट्राई करोगे, लेट इस सर्कल का सेंटर है, तो अपन तीनों पॉइंटों को ए बी सी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब देखो उसको ढंग से, सर्किल के सेंटर से जब आप टेंजेंट को मीट करोगे तो टेंजेंट और ये दिस पार्ट नॉर्मल, तो दिस एंगल कितना 90, ये एंगल 60 है, तो दिस एंगल इज 30। सिमिलरली जो बी सी है वो सर्किल के लिए कॉर्ड है, और ओ इज ओ सी एंड ओ बी आर रेडियस, तो रेडियस हैं दोनों ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी एंगल क्या आ गया 30। सिमिलरली देखो जब आप इसकी बात करोगे तो ये एंगल भी 90 होगा, ये 60 है, तो ये भी क्या आ गया 30, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो 30, तो ये एंगल टोटल 60 हो गया, और उसके बाद ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा, तो अपन लिख सकते हैं ना ऑल एंगल का सम इज पाई, तो 30, 30, 30, 120 प्लस 2 अल्फा इज पाई, देन अल्फा इज ऑल्सो 30, तो ये सारे एंगल क्या होंगे 60, 60 एंड 60, तो और अगर ट्राइंगल के सारे एंगल क्या हो 60, तो इट इज बिकम एन इक्विलेटर ट्राइंगल, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 64, द टेंजेंट ए बी टच ए सर्किल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी, एक सर्किल है जिसकी एक टेंजेंट गिवन है आपको
ए बी, और ये टेंजेंट सर्कल को पी पॉइंट पे टच करती है, और सर्कल का सेंटर गिवन है आपको ओ, और रेडियस क्या गिवन है आपको 5. उसके बाद बोला गया ओ बी की लेंथ क्या 10, तो ये ओ बी है, ये लेंथ आपको गिवन है 10, और ओ बी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के इक्विवेलेंट है, ओ बी इज ऑल्सो ए बी, तो ये टोटल ए बी क्या होगा 10, याद रखना है, और देन दी वैल्यू ऑफ ए पी, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. देखो कैसे ट्राई करोगे, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये इसका हाइपोटेनियस है, लेट दिस इज एक्स और दिस इज वाई, तो अपन को क्या गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो अपन लिख सकते हैं ना 25, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75, तो इससे एक्स आ गया बेटा 5 × 25 × 3, देन 5√3 आ गया एक्स, तो ये लेंथ आपकी कितनी है 5√3, और ए पी का मीनिंग आपको वाई फाइंड आउट करना है, तो अपन लिख सकते हैं ना वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इक्वल टू 10 − 5√3, तो 10 − 5√3 कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, थर्ड ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड. हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 65, इन दी गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 एंड ए डी बी डी एंड डी सी का रेशियो गिवन है 3:1:3 एंड ए सी की लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, तो देन वॉट इज द लेंथ ऑफ ए डी, तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये 20 है, ए डी बी डी और डी सी का रेशियो गिवन है आपको 3:1:3, तो आप इस रेशियो को एक्स सेलेक्ट करो, तो दिस इज 3x, तो दिस इज 3x पी डी एक्स और ये 3x, तो डेल्टा ए बी सी में यूज करो आप पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज 9x², बी सी का स्क्वायर इज 16x² इक्वल टू 400, तो क्या गया है 25x² इक्वल टू 400, देन x² इक्वल टू 16, तो x से आ गया 4, मतलब आपको ए डी बी डी और सी डी की लेंथ पता है, ये 12 ये 4, और आपको ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी, तो अपन लिख सकते हैं अगेन ए डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, ए बी का मीनिंग 12, तो 12 का स्क्वायर या सीधा डायरेक्ट कर दो, जैसे 3x² का मतलब 9x² प्लस x², ये क्या आ गया √10x, और x इज 4, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे आप तो ये आ गया 4√10, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, देखो इन दी गिवन डायग्राम ओ इज दी सेंटर ऑफ सर्किल एंड ए डी इज डायमीटर, इफ एंगल ए सी बी इज 135 डिग्री, देन फाइंड दी एंगल ऑफ डी ओ बी, देखो उसको कैसे ट्राई करना है, लेट इज सर्किल है, ये सर्किल की कॉर्ड है ए बी, और ए बी का सी के साथ एंगल गिवन है 135 डिग्री, इसका डायमीटर गिवन है ए डी और ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखोगे आप कि ए बी ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल क्या होता है 2θ, तो ये 135 है तो कितना आ गया 270, ये 270 है तो दिस इज 90 और दिस इज ऑल्सो 90, बस ये ध्यान रखें आप कि कॉर्ड लेट ये ए बी कॉर्ड है और सेंटर इसी साइड है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 2θ, ये थीटा है तो 2θ, और अगर ये रिवर्स हो कि ये कॉर्ड है आपकी, तो इधर एंगल अगर थीटा है तो इस बार सेंटर के रेस्पेक्ट में बाहर वाला एंगल क्या लोगे 2θ, तो इसका आंसर क्या आ गया एंगल डी ओ बी इज 90 डिग्री, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. हाँ क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + 12 = 0, x² + bx + 12 = 0 का रूट गिवन है आपको 2, तो 2 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो 4 + 2b + 12 = 0, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया b = −8, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है x² + bx + q = 0, और इसके रूट इक्वल है तो या
बी इज माइनस 8, तो दिस इज 4q, तो इससे q आ गया 16, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ए बैग कंटेन 2 red, 3 green and 2 blue balls. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन फाइंड दी प्रॉपर्टी दैट बॉल ड्रॉन कंटेन नो ब्लू बॉल। तो देखो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल बॉल गिवन है आपको 3 or 2, 5 or 2, 7, 7C1 is 7। फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि ड्रॉन बॉल इज कंटेन नो ब्लू बॉल, तो आपको ब्लू बॉल का सिलेक्शन नहीं करना है, तो ब्लू बॉल को हटाओ, तो टोटल सैंपल फेवरेबल केस क्या होगा इसका 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5/7, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। हाँ, 16 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एयर कॉन इज टॉस्ड 3 times देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 head अपियर्स इज। तो एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करो तो सैम्पल स्पेस आ गया 2 into 2 into 2, दिस इज 8। और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि इस पे जो एटलीस्ट 2 time हेड आना चाहिए, देखो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, HHT हो सकता है, HTH हो सकता है और TT, या फिर 3 time हेड हो सकते हैं, तो HH, तो इसका फेवरेबल केस क्या आ गया 4। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन सैम्पल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे 4/8, तो P इक्वल टू आ गया 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। देखो क्वेश्चन 70 में क्या बोला गया है, दी LCM ऑफ टू नंबर से 63 times दी देयर SCF। तो क्या करो इसमें लेट टू नंबर का LCM लेट करो आप X और उनका SCF लेट करो Y। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो LCM है वो क्या है 63 times ऑफ Y, और नेक्स्ट इज ए वन ऑफ दी नंबर इज 35 एंड दी सम ऑफ SCF एंड LCM इज 320। तो देखो X प्लस Y का सम गिवन है आपको 320, और जो टू नंबर्स आर ए एंड बी, तो टू नंबर में से आपको वन नंबर गिवन है लेट ए इक्वल टू 35, तो आपको क्या करना है सम ऑफ दी नंबर्स मतलब ए प्लस बी का सम फाइंड आउट करना है। देखो कैसे ट्राई करोगे, जो टू नंबर का LCM और SCF है उनका जो मल्टीप्लाई वो किसके इक्वलेंट होता है ए इंटू बी, तो आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, एक्स को रिप्लेस कर सकते अपन 63y, तो आ गया 64y इक्वल टू 320, देन y इक्वल टू क्या आ गया इससे ये 2 बार कैंसिल, तो y आ गया 5। y को 5 पुट करोगे आप तो उससे x आ गया कितना 63 into 5। a आपको गिवन है 35, b को भी रखो आप, और x को लिख सकते हैं अपन 3 into 5, 5 और 355 और y इज 5, तो 35 से 5 को 7 time कैंसिल करोगे तो उससे भी आ गया 7 into 3, 4, 49, तो b आ गया 49 और a गिवन है 35, तो इन दोनों का सम क्या आ गया 80, तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। हाँ देखो नेक्स्ट 71 क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 8 माइनस ए की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस ए की पावर 6, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, तो ये आ गया एक्स फोर माइनस ए फोर इंटू एक्स फोर प्लस ए फोर अपॉन, इसको लिख सकते हैं अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या लिखोगे आप एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, और एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बेटा देखो
एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस पार्ट से दिस पार्ट कैंसिल आउट, तो उसका करेक्ट आंसर आ गया एक्स की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, सेकेंड ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन दी गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें ए बी ए सी के इक्वल मेंशन है और एंगल गिवन है बी ए सी इज 40 डिग्री, बी ई एंड डी सी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको एंगल डी ओ ई फाइंड आउट करना है। देखो कैसे ट्राई करोगे इसको, एक ट्राइंगल गिवन है आपको ए बी सी, ए बी इक्वल टू क्या गिवन है ए सी, और बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर गिवन है आपको जो पॉइंट ओ पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट, तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या, दिस एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल बी सी भी क्या होगा इक्वल, तो दिस पार्ट थीटा है तो दिस भी क्या होगा थीटा, और आपको एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है, ये एंगल 40 बोला गया है तो रिमेनिंग टू एंगल का सम क्या होगा 2 थीटा एंड 2 थीटा इज 4 थीटा इक्वल टू 140, देन 2 थीटा इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ गया 70 डिग्री। तो देखो ये थीटा तो ये कितना आ गया पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा कितना आ गया 180 माइनस 70 डिग्री, तो आ गया 1110, तो दिस एंगल अगर 1110 है तो ये भी एंगल क्या होगा 1110, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ पी टाइम्स ऑफ दी पी एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ दी क्यू एथ टर्म ऑफ ए पी, किसी ए पी की जो टी पी टर्म है वो पी टाइम्स इक्वल टू गिवन है क्यू टाइम्स ऑफ टी क्यू, तो आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड दी टी पी प्लस क्यू, तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इन टू टी, तो आपको ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे ट्राई करोगे, टी पी का मीनिंग ए प्लस पी माइनस वन इन टू डी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस, तो इसको सॉल्व करो आप, तो क्या आ गया पी ए प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इन टू डी, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो ये आ गया क्यू ए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इन टू डी इक्वल टू जीरो, इन दोनों में जब ए कॉमन लोगे तो आ गया पी माइनस क्यू इन टू ए प्लस, इन दोनों में डी कॉमन लोगे तो आ गया पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी इक्वल टू जीरो, इसके आप फैक्टर करोगे आप तो क्या आ गया पी माइनस क्यू इन टू ए प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज पी माइनस क्यू इन टू पी प्लस क्यू, और इन दोनों में माइनस कॉमन लगे तो क्या आ गया पी माइनस क्यू डी इक्वल टू जीरो, ये पी माइनस क्यू में कॉमन आ गया तो दिस पार्ट क्या होगा पी माइनस क्यू कॉमन लोगे बेटा तो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन पी प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू जीरो, तो से टू रिलेशंस हैं, एक तो पी क्यू के इक्वल हो सकता है और एक दिस पार्ट जीरो, बट पी और क्यू दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो फिर क्या होगा दिस पार्ट इक्वल टू जीरो, तो ये पार्ट क्या है टी पी प्लस क्यू, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वलेंट होगी जीरो के इक्वलेंट, तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 74 में क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज आर पी माइनस टू बाई 5.6 क्यू 2.8 एंड आर माइनस 4.3, आपको ट्राइंगल के थ्री वर्टेक्स इज गिवन है, तो देखो उसको एरिया फाइंड आउट करना है आपको, पी गिवन है आपको तो देखो आप सबसे पहले क्या करो पी क्यू क्यू आर एंड आर क्यू आर पी की लेंथ फाइंड आउट करो, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी रूट ऑफ 2 + 2 + 5 12/5 का
होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 इज 2 इज 4, तो पी क्यू क्या गया देखो, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 25 इंटू 4 इज 100 अपॉन 5, तो उससे पी क्यू लेंथ क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 244 अपॉन 5। सिमिलरली लेंथ ऑफ क्यू आर क्या होगी, रूट ऑफ 2 माइनस 4 6 इज 36 प्लस 8 माइनस 3 इज 5, तो ये 25, तो ये आ गया रूट ऑफ रूट 61। एंड लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें क्या आपको ये तीनों लेंथ गिवन है, मतलब आपको साइड लेंथ गिवन है ए बी और सी, तो आप क्या कर सकते हो, एक मेथड तो क्या हीरोज फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बट इसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको इन वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, बट इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसका एक सिंपल सा मेथड है, तो उससे बहुत जल्दी आंसर आता है इसका। देखो सेकेंड मेथड क्या है, क्वेश्चन को अपन इससे भी कर सकते हैं, और एक सेकेंड मेथड है उससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो सेकेंड मेथड में क्या बोला गया है, आपको थ्री पॉइंट गिवन है, पी माइनस 2/5, 6 क्यू 2, 8 एंड आर माइनस 4, 3। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको ट्रायंगल के थ्री वर्टेक्सेस गिवन है, तो पहले आप ये चेक करें कि कहीं ये पॉइंट तीनों कुलीनियर तो ना है, क्योंकि अगर ये ऑल थ्री पॉइंट्स आर कुलीनियर, अगर ये तीनों पॉइंट क्या हुए कुलीनियर, तो इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा क्या, नो, तो फिर इसका एरिया क्या होगा, जीरो। तो एक बार ट्राई करते हैं अपन, थ्री पॉइंट कुलीनियर की कंडीशन क्या होती है, या तो उनका डेल्टा जीरो कर दो आप, या फिर पी क्यू का स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, तो 8 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 2/5, तो कितना आ गया ये 8 और 2 2 इंटू 5 अपॉन 12, तो ये आ गया 10/12 इज 5/6। सिमिलरली लेंथ ऑफ क्यू आर क्या होगी, या स्लोप ऑफ क्यू आर, एम इक्वल टू 3 माइनस 8 अपॉन माइनस 4 माइनस 2, तो दिस अगेन 5/6। इसका मीनिंग क्या है कि जो पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप है वो दोनों सेम है, इसका मतलब पॉइंट पी क्यू आर आर कुलीनियर, तो ट्राइंगल डज नॉट फॉर्म्ड, तो इसका एरिया क्या होगा, जीरो। तो अपन को फर्स्ट मेथड को लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, इसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो सेक्टर के लिए क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 इसकी रेडियस क्या गिवन है 1, तो 1, और देखो ये एंगल 60 है, तो दिस एंगल क्या होगा 120 का मतलब 2π/3, तो ये आ गया 2π/3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया ये π/3, तो सेक्टर के लिए क्या होगा π/3, देन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, देखो 76 में क्या करना है अपन को, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, इफ इट वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, देन एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, एक कोन गिवन है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी हाइट गिवन है आपको 30 मीटर, लेट इसकी हाइट है h, h गिवन है आपको 30 मीटर, क्या करना है इसमें आपको, इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से एक स्मॉल कोन कट करना है बेस से अप डाउन पे, तो जो इट्स वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है स्मॉल कोन का, लेट आपने इस जगह से कट किया इसको, तो जब आप इसको पैरेलली कट करोगे तो इससे क्या बनेगा, एक स्मॉल कोन बनेगा, ऐसे ये स्मॉल कोन है, तो इसका जो स्मॉल कोन है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, ओरिजिनल कोन का 1/20 टाइम्स है,
तो देखो ओरिजिनल कॉइन का वॉल्यूम है लेट v इक्वल टू 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्मॉल का लेट कर दो v 1 इक्वल टू 1 बाई 3 पाई आर 1 स्क्वायर एच 1, दिस इज r, ये r1 है, ये स्मॉल कॉइन की हाइट है लेट h1 और ये इसकी टोटल ग्रेटर हाइट है लेट h। तो देखो इसमें सबसे पहले और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉइन, मतलब v इक्वल टू सॉरी v डैश इक्वल टू v / 27, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो सबसे पहले, तो क्या आ गया ये 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच वन इक्वल टू वन बाय 27 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो 1/3 पाई से कैंसिल आउट, तो ये आ गया आर वन स्क्वायर एच वन इक्वल टू 1/27 आर स्क्वायर एच। अब देखो इसके बाद कैसे ट्राई करना है क्वेश्चन को, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई सी है, ये क्या दोनों सिमिलर, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 है तो ये भी 90, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा इसमें, सेम तो अपन लिख सकते हैं, ग्रेटर ट्राइंगल में क्या लिखोगे आप, टेन थीटा क्या होगा एच अपॉन आर इक्वल टू, इसमें क्या होगा टेन थीटा एच वन अपॉन आर वन, तो अपन इसमें यूज कर सकते हैं, इससे क्या रिलेशन आ गया आर वन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/27 एच अपॉन एच वन, तो इससे आर वन अपॉन आर क्या आ गया एच वन बाई एच, तो आर वन बाई आर की वैल्यू क्या एच वन बाई एच, तो इसका स्क्वायर करने पे आ गया एच वन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/27 एच अपॉन एच वन, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया ये 27 एच वन क्यूब इक्वल टू एच क्यूब, दिस इज एच इक्वल टू 3 एच वन, आपको टोटल हाइट गिवन है 30, तो इससे एच वन क्या आ गया 10, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है व्हाट हाइट अबव द बेस इन द सेक्शन वेट, तो ये हाइट क्या होगी फिर दिस पार्ट इज 20, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स इफ द मीन ऑफ 15 ऑफ देम इज 18 एंड मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 13, लेट आप क्या कंसिडर करो 25 नंबर है एक्स वन एक्स टू एक्स 15 एक्स 16 एक्स 25, आप लेट करो कि स्टार्टिंग के जो 25 नंबर है उनका मीन गिवन है एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट एक्स 15 अपॉन 15 इक्वल टू 18, तो इससे क्या आ गया सिग्मा या फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स 15 इक्वल टू 18 इंटू 15, और मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर इज एक्स 16 प्लस एक्स 17 डॉट डॉट एक्स 25 अपॉन 10 इक्वल टू गिवन है आपको 13, तो इससे क्या आ गया एक्स 16 प्लस 130, तो आपको जो नंबर्स हैं इनका क्या बताना है मीन, तो उनका मीन क्या होगा एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 25 अपॉन 25, तो देखो एक्स 1 से 15 का सम तो कितना है 18 इंटू 15 प्लस दिस इज 130 रिमेनिंग अपॉन आ गया 25, तो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पे आ गया 15 इंटू 8 टू 27 प्लस 130 अपॉन 25, तो 270 प्लस 130 400, तो ये आ गया 400 अपॉन 25, तो 40 अपॉन 25 16, तो इसका 16 आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6,
क्या मीनिंग इस क्वेश्चन का? एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 6, इस पर क्या करना है, इसके सेंटर से 8 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उससे आप इस पर क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट। तो देन लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आपको ये पी टी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये 8 है, ये 6 है, ये टेंजेंट नॉर्मल है तो एंगल 90, तो इसे लिख सकते हैं अपन पी टी इक्वल टू रूट ऑफ 64 माइनस 36, देन दिस इज रूट 28। तो रूट 28 का मीनिंग क्या आ गया, टू रूट 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। देखो 79 में क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि पैरेललोग्राम की टू साइड के मैंने 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल की लेंथ के मैंने 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये लेट एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ये इसके टू डायगोनल्स है, ये 4 है, ये 4, ये 5, ये 5, और इसमें वन डायगोनल 6 है, लेट इसी की लेंथ है 6, तो दिस इज 3, दिस इज 3। तो आपको बी डी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान रखना अपन को, ये दोनों इसमें आप प्रॉपर्टी याद रखो कि लेट ये लेंथ वाई, ये लेंथ एक्स है, तो अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 25। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 41, तो दिस इज 82, और लेट y कितना 36, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 46, तो x आ गया रूट 46, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट 1 अपॉन ए की पावर 1 बाई बी इक्वल टू 0.3 बार, देन दी वैल्यू ऑफ ए बी कैन बी। तो अपन को ए बी का मल्टीप्लाई बताना है कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, इस 0.3 बार को सोल्व करो। 0.3 बार एक कैसा नंबर होगा, रेशनल, तो इसको अपन लेट कर सकते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल टू आ गया 3 point, तो दिस इज 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ गया 1/3। तो क्वेश्चन रह गया ये 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन बी इक्वल टू 1/3, बी को दिस को तो आ गया 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर बी। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर बी इक्वल टू। अपन वाई ऑप्शन सोल्व करते हैं, अपन को ए बी का मल्टीप्लाई देखना है कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है। तो देखो जैसे लेट आपने बी को वन लेट किया, तो ए क्या आ गया 3, तो ए बी का मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, बट ऑप्शन में 3 नहीं है अपने पास, तो बी को क्या लोगे 2, बी को 2 लोगे तो ये 9 आ गया, तो 18 भी ऑप्शन में नहीं है आपको, तो फिर आप बी को लो 3। जब बी को 3 लोगे तो ए आ गया 27, तो अब ए बी का मल्टीप्लाई कर तो आ गया 81, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन।